वेलकम बैक टू द टू स्वीट शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, और यकीनन आपको भी मेरी तरह यकीन नहीं आ रहा होगा, सीडी प्रोजेक्ट रेड ने तरसा के सारे गेमर्स को फाइनली कर दी है साइबरपंक 2077 रिलीज। और इसको आज हम ले आए हैं टू स्वीट शो पे अनबॉक्सिंग करने के लिए। वी आर गोना बी टेकिंग अ लुक एट द प्लेस्टेशन 4 एडिशन। ये एक स्टैंडर्ड एडिशन है, लेकिन जो सीडी प्रोजेक्ट की गेम्स होती है ना फिजिकल में, वो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होती है। आप $60 की गेम लेते हो, आपको इतना कुछ मिलता है साथ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई एब्सोल्युटली लव द डेवलपर्स फॉर दिस। तो ये अगेन बेस $60 की गेम है, इसको हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स और देखेंगे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल गेम एंड बॉक्स आर्ट। और एक दफा अपने स्पॉन्सर पे भी नजर मार देते हैं, जो आपका भाई खुद है, कोई है ही नहीं और पैसे जो है वो लग चुके हैं सारे इसके ऊपर, और नई गेम के पैसे अब नहीं है। चलो अनबॉक्स करते हैं, लेट्स गो। ऑल राइट माई फ्रेंड्स, तो अनबॉक्सिंग की तरफ अब हम आते हैं। फाइनली टेबल पे साइबरपंक 2077 आ चुकी है, हमारी क्लासिक किचन वाली छुरी भी आ चुकी हुई है, लेकिन मैं डर रहा हूँ उसको यूज करने से कि कहीं मैं कोई काम की चीज ना काट दूँ। काइंड साउंड्स रॉन्ग, बट तो इसकी ओपनिंग ढूंढते हैं सील की कहीं से और सील को खोलने की कोशिश करते हैं, और अल्ट्रा है कि 5-6 घंटा यहीं ना ज़ाया हो जाए। और ओपनिंग मिल गई है मेरे ख्याल से, शायद पहले से ही किसी ने कोई खतरनाक किस्म के हाथ उत मारे हुए इसको। सो या इसको पील ऑफ करते हैं और बैच जो है वो हमारा उतर के। बाय द वे, ये स्टैंडर्ड एडिशन है और इसमें ही आपको नेक्स्ट जेन का अपग्रेड भी मिल जाता है, सेम इज़ द केस फॉर द एक्सबॉक्स फिजिकल एडिशन। तो ये हमारे पास साइबरपंक 2077, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। सील उतार के तो और भी ज़्यादा प्यारी इसकी फील आ रही है, लाइक दिस इज प्रीमियम स्टफ मैन। स्टैंडर्ड एडिशन गेम के अंदर आपको वो स्लीव दे रहे हैं, ये बहुत अलग बात है। और अब हम फाइनली स्लीव को उतारते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें एकदम से ना स्पेल आउट हो जाए। सो लेट्स टेक अ लुक एट द स्लीव फर्स्ट, जो कि काफ़ी अच्छी है। वी आर गोना पुट इट असाइड और अब हम अपनी सीडी को उठाते हैं। और या दिस इज द बेस एडिशन ऑफ साइबरपंक, टिपिकल स्लीव वाला ही सीन है, बॉक्स आर्ट भी वैसा ही है। ऑफकोर्स कुछ लेबल्स नहीं लगे हुए और बैक साइड भी बिल्कुल वैसी है। यू हैव अ फ्यू स्क्रीनशॉट, कुछ रीडअप भी है जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना, ये है पोस्ट कार्ड्स की क्वालिटी, बहुत ही प्यारी है। जैसे हमारे एवेंजर्स के कलेक्टर्स एडिशन में तस्वीर की क्वालिटी थी ना, बिल्कुल वही वाला सीन है यहाँ पे भी। एंड अगेन, फ्री चीज़ें मिल रही हैं यार $60 में, ये बहुत अलग बात है। तो पहले हमारे पास एक बहुत ही प्यारी आर्ट है, द कोयोटे, आई डोंट नो डोजो है कि कोयो है, क्या है, आई डोंट नो द वर्ड। और इसकी बैक साइड पर देयर इज नॉट मच, दे आर प्रीटी मच पोस्ट कार्ड्स, जो अगर आप चाहते हैं तो किसी को भेज सकते हैं। ये एक और हमारे पास पोस्ट कार्ड, एंड दिस बाय द वे लुक्स ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारा है। ये जापान है, एवरीबडी लव्स जापान, और फिर उसमें साइबरपंक मिक्स कर दो तो क्या ही बातें, दाई खूबसूरत चीज़ बन जाती है। यहाँ पे राइटअप के लिए लाइंस भी दी गई हैं। और जो तीसरा पोस्ट कार्ड है वो बहुत ही एक प्यारी किसी जगह का है। ये तो वो जगह है जिधर बंदे का दिल करता है कि छोटी आंधी उतें चला जाए और सब नु भूल जाए जाके। तो इधर तस्वीर लगाने की भी जगह है। आई डोंट नो मैन, कभी पोस्ट कार्ड्स यूज़ नहीं किए, इस पर हम काशिफ भाई को कुछ लिख के भेजेंगे। सो नाइट सिटी का मैप भी है हमारे पास, और इसको मैं अभी नहीं खोलूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स इसका स्प्रेड बड़ा होगा तो फ्रेम से बाहर जाएंगे। और ये एक बुकलेट टाइप है, विच आई बिलीव इज अ क्विक गाइड टू बेसिकली एवरीथिंग हैपनिंग इन द गेम, कोई सिटी टाइप है। और इसको एक दफ़ा खोल के देखते हैं। और ये जो है यार, ये क्या बात है, ये कलर्ड नहीं है। मेरी हमेशा से एक्सपेक्टेशन रही है कि अगर बुकलेट्स गेम के अंदर आपने डालनी है तो एटलीस्ट मेक देम कलर्ड। ये बड़ा लाइफ प्लस सा सीन लगता है मुझे। सो या, बट नॉट अ बिग डील। तो अब हम अपनी साइबरपंक 2077 की डिस्क को खोलते हैं, अपने बॉक्स को खोलते हैं, एंड वी हैव अ बंच ऑफ पॉम्फलेट टाइप ऑफ सीन्स, प्रिंट्स हैं हमारे पास कुछ। एक तो ऑफकोर्स सीडी प्रोजेक्ट राइट ने विचर के अंदर भी कुछ ऐसा सीन दिया था, अगर तो ये वही चीज़ है। या इट्स प्रीटी मच लाइक दैट सेम थिंग, वेलकम टू नाइट सिटी, CDPR की तरफ से एक नोट है, बहुत ही अच्छा जेस्चर है। यू नो स्टफ लाइक दिस इज ऑलवेज वेलकम, बड़ी दफ़ा मैं कह चुका, पीछे है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैक है, लाइटें गई हुई हैं, कोई सीन नहीं है। और साथ में स्टिकर्स, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। मैं पहले यही देख रहा था कि पहले नहीं निकले, बहुत ही प्यारे, इनकी फील बहुत प्यारी है, दीज आर गुड क्वालिटी स्टिकर्स। एक तो मुझे वैसे ही स्टिकर्स बहुत पसंद है, और ये जो नाइट सिटी हीट वाला है ना, ये तो मैं पक्की बात है किसी अपनी डेली यूज़ के गैजेट पे चिपकाऊंगा। फोर, और ये एक इंतहाई महंगे कपड़ों का जो है वो ऐड है, जो मेरे ख्याल से मैं और आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि गेम ही अद्धे पैसे मुका गई सारे। तो या, बट इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन गो अहेड, एंड हियर वी हैव साइबरपंक की डिस्क। और ये दो डिस्क पे आती है, वन इज़ योर डाटा डिस्क एंड वन इज़ योर गेम डिस्क। और 75 GB आपको चाहिए इफ़ यू आर डूइंग फिजिकल, और 105 या 101 GB आपको प्ले स्टेशन पर चाहिए इफ़ यू आर डूइंग डिजिटल। और इसके अंदर एक ऑल्टरनेट कवर भी है जिसके अंदर जेंडर स्वैप हुआ हुआ है, सो इफ़ यू वांट टू हैव द फीमेल ऑन द बॉक्स आर्ट, शी लुक्स एपिक एज हेल, और अगर आपने आदमी रखना है तो ही लुक्स एपिक एज वेल। और ये आपको आइडिया देने के लिए कि हाउ द मैप अनफोल्ड्स, इसका स्प्रेड काफ़ी बड़ा है और मैप काफ़ी कूल है, इट्स ऑन द रेक्टेंगुलर साइड, इट लुक्स वेरी गुड।
अच्छी चीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इनको पैक्ड ही रखता हूँ, और ये मैंने अपने भाई को पकड़ाई हुई है, टेबल से ज़रा पीछे हुआ मैं और साथ गिटार रखा हुआ है, जस्ट टू गिव यू गाइस अ लिटिल यू नो आइडिया। और ये हमारा अल्टरनेट कवर बॉक्स आर्ट है, विच बाय द वे लुक्स बेटर देन द बेस बॉक्स आर्ट। ये पूरे का पूरा स्प्रेड है, एंड इट्स हार्ड टू बिलीव कि एक $60 की बेस गेम में से इतना कुछ निकला है। मतलब ये टेबल अच्छा खासा लंबा है और ये पूरा सज गया है। सो या थैंक यू CD Projekt Red फॉर ऑलवेज यू नो catering to those who buy standard editions, and yeah, wonderful experience. एक तस्वीर भी भाई ने उतारी है, absolutely awesome. ये थी हमारी Cyberpunk 2077 की अनबॉक्सिंग, उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी। और अगर ये वीडियो YouTube पे 3000 व्यूज क्रॉस कर गई ना, तो कसम से इसकी गिव अवे कर दूंगा मैं किसी एक लकी विनर को। सो बी ऑन द लुकआउट एंड ट्राई टू यू नो अप द गोल। सो या आई विल सी यू गाइस सून, बेस्ट ऑफ लक।